नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। शाहरुख खान की फिल्म पठान को रिलीज होने में अभी 5 महीने बाकी हैं और फैंस इस प्रोजेक्ट के बारे में और अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं अब आपको बता दें कि पठान फिल्म को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म का नाम पठान नहीं बल्कि जवान है। लेकिन चौंकिए मत, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के नाम 2023 होने वाला है। इस साल उनकी 2 बड़ी मूवी जो रिलीज हो रही है, दरअसल ये दोनों फिल्में अलग अलग हैं, जिसमें शाहरुख खान फिल्म पठान जो 2023 में रिलीज होगी। दरअसल ये दोनों फिल्में अलग अलग हैं। एक फिल्म का नाम है पठान जो 2023 में रिलीज होगी और वहीं दूसरी फिल्म का नाम है जवान, ये भी 2023 में ही रिलीज होगी। शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होने से पहले ही ऑनलाइन ट्रोलिंग होने की वजह से इसके शीर्षक यानी फिल्म के टाइटल को बदलने की बात कही जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या फिल्म का नाम बदला जाएगा। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में चल रही है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर पठान फिल्म के शीर्षक यानी कि टाइटल को बदलने का दावा किया जा रहा है। दरअसल पठान के टाइटल चेंज को लेकर कमाल आर खान के ट्वीट ने पूरी बातचीत शुरू कर दी थी। शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान अब से ठीक 5 महीने बाद 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। आपको बता दें कि शाहरुख खान की पिछली टिप्पणी के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा और उनके फिल्म पठान को बॉयकॉट भी करने लगे। वहीं फिल्म के बहिष्कार के बाद केआरके ने एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि फिल्म का शीर्षक बदल दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान के शीर्षक को लेकर चल रही सभी बातें महज अफवाह हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि पठान के शीर्षक परिवर्तन के बारे में अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। वास्तव में निर्माता शीर्षक के बारे में इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने उसी शीर्षक के साथ जॉन का पहला लुक जारी किया था। सूत्रों ने यह भी बताया है कि अगर पठान निर्माता एक शीर्षक परिवर्तन पर विचार कर रहे थे तो वो फिल्म की प्रचार रणनीति को बदल देंगे। हालांकि फिल्म के शीर्षक बदलने को लेकर सभी बातें महज अफवाह हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कमाल आर खान का फिल्मों और फिल्मी सितारों पर सीधे कटाक्ष के लिए सुर्खियां बटोरना कोई खबर नहीं है। मार्च 2022 में केआरके ने पठान का नाम बदलने का सुझाव दिया था। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे लगता है कि शाहरुख खान को अपनी फिल्म का नाम पठान का नाम बदलकर भक्तों का भक्त महाभक्त कर देना चाहिए। अगर #SRK पठान नाम से फिल्म रिलीज करेगा तो भक्त इसे रिलीज से पहले ही खराब कर देंगे। आपको बता दें कि पठान फिल्म 25 जनवरी 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। शाहरुख खान के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी हैं। मल्टी स्टारर फिल्म सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित है। फिल्म को हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म बताया जा रहा है। इस फिल्म में सलमान खान कैमियो रोल करते नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।